तपती धूप और उमस के बाद दो दिनों से बारिश होने पर लोगों को राहत मिली है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दो दिनों से वर्षा हो रही है, जो 128 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले वर्ष अगस्त माह में 19 मिलीमीटर की वर्षा हुई थी, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जुलाई में बारिश कम हुई है। उन्होंने कहा कि अगस्त में पर्याप्त बारिश होने की संभावना है। दो दिन बारिश होने से कहीं पर जलहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नदियां अभी सामान्य स्थिति में हैं, नदियां अभी खतरे के निशान के नीचे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग अभी लो लैंड एरिया में बसे हुए हैं या नदी के धारा के बीच बसे हैं, वे लोग वहां से हटने के लिए अपनी तैयारियां कर लें, ताकि नदी का जलस्तर बढ़ने पर किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय वर्षा हो रही है और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप देख रहे हैं कि पिछले दो दिनों में हमारे जनपद में लगभग 128 मिलीमीटर की वर्षा हो चुकी है, जबकि पिछले वर्षों में इसी समय में लगभग 19 मिलीमीटर की वर्षा हुई थी। इसी प्रकार जुलाई में इस वर्ष वर्षा कम हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगस्त में हम लोगों को पर्याप्त वर्षा हो जाएगी और हमारी जो फसलें हैं उनको पर्याप्त पानी मिलेगा। बारिश हो रहा है, कोई जनहानि की सूचना नहीं है। और वर्षा काल में केवल मेरा ये अनुरोध है, जिस समय वर्षा आने वाली हो या वर्षा हो रही हो, कृपा करके किसी पक्के स्ट्रक्चर के नीचे ही खड़े हों, इसलिए कि ये जो विद्युत है जिसको वज्रपात कहते हैं, उसकी वजह से कई घटनाएं हो जा रही हैं, जिससे लोगों को क्षति हो रही, असामयिक उनके मृत्यु हो जा रही है। जब भी वर्षा हो, आप घरों से ना निकलें, कहीं ना कहीं रुक जाएं, या कहीं ना कहीं आप बंद स्थान पर रहें, पेड़ के नीचे तो आप एकदम ना खड़े हों, नहीं तो कोई भी ऐसी घटना होगी तो आप उससे ग्रसित हो जाएंगे। नदियों की क्या स्थिति? नदियाँ अभी सामान्य हैं, पानी की वर्षा हो रही आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ नदियाँ जो पीछे पानी बरसता है उसकी वजह से नदियों में पानी बढ़ता है, तो अभी कोई भी नदी हमारे खतरे के आसपास नहीं है। परंतु मेरा आम लोगों से यह अनुरोध है कि जो लोग अभी लो लाइंग एरिया में बसे हुए हैं, निचली ज़मीन पर बसे हैं या बंधे और नदी की धारा के बीच बसे हुए हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी कर लें। यदि नदी और नदी की धारा और बंधे के बीच में बसे हैं तो निचुरली जब पानी बढ़ेगा तो आपको अपना स्थान शिफ्ट करना होगा, और उसके लिए आप अपनी तैयारी अभी से कर लें।